एस सी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 44 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है? द के अल्फा एक्सरे ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक हैव वेवलेंथ 887 पिकोमीटर एंड 146 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। यूज मोजलेस लॉ टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे ऑफ आयरन। तो हमें देखो वेवलेंथ ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक का गिवन है, किसका? के अल्फा का। तो एल्यूमिनियम का पहले तो एटॉमिक नंबर दे रखा है कितना, 13, और जिंक का एटॉमिक नंबर दे रखा है 13। ओके, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा कितना दे रखा है, के अल्फा गिवन है 887 पिकोमीटर, और यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ के अल्फा जिंक का दे रखा है 146 पिकोमीटर। क्लियर है? और हमें मोजलेस लो यूज़ करना है, यानी रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ए माइनस जेड माइनस बी, राइट? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी है, जेड अपना एटॉमिक नंबर, ए बी कॉन्स्टेंट है। और क्या फाइंड करना है, आयरन के लिए जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है अपने को 26, और उसका वेवलेंथ फाइंड करना है के अल्फा का। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट की ज़रूरत है मेरे को, ये आएगा तभी मैं सॉल्व कर पाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों की फ्रिक्वेंसी फाइंड कर देता हूँ। तो एल्यूमिनियम की फ्रिक्वेंसी की बात करता हूँ, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है सी बाई लेमडा। तो सी कितना है, 3 × 10⁸, और एल्यूमिनियम का लेमडा कितना, 887 पिकोमीटर 10⁻¹². तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपना आंसर आएगा 33.82 इंटू 10⁻¹⁶, 10⁻¹⁶, सॉरी प्लस 16 आएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो राइट 10⁻¹⁶ आएगा। नेक्स्ट आएगा फ्रिक्वेंसी फॉर जिंक, जिंक आएगा सी बाई लेमडा, सी कितना है अपना 3 × 10⁸, और लेमडा कितना है 146 इंटू 10⁻¹², इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.05 इंटू 10⁻¹⁸, क्लियर, 10⁻¹⁸, ये वेवलेंथ आ गया, मीटर में वेवलेंथ है, क्लियर है? ओके, अब इसको अपने को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, तो एल्यूमिनियम के लिए मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, एल्यूमिनियम के लिए इक्वेशन बनेगी 3.382 इंटू 10⁻¹⁶ इज इक्वल टू ए, जेड कितना है मेरा, जेड है 13 माइनस बी। और जिंक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, जिंक के लिए इक्वेशन बनेगी रूट 2.05 इंटू 10⁻¹⁸, ये पूरा रूट में, इज इक्वल टू ए 30 माइनस बी। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जिससे क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइडिंग इक्वेशन वन विथ टू, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो देखो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 18 को सोल्व करेंगे तो रूट, ये पूरा रूट में आ जाएगा 3.382 इंटू 10⁻¹⁶ अपॉन 2.05 इंटू 10⁻¹⁸ इज इक्वल टू ए कैंसिल आउट 13 माइनस बी 30 माइनस बी, राइट? अब इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻², 10⁻², का 10⁻¹, और इसका 5.815, और इसका 1.4331, ये 10⁻¹ इज इक्वल टू 13 माइनस बी 30 माइनस बी, राइट? इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4057। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 माइनस बी इज इक्वल टू 30 × 0.4057 माइनस बी इंटू 0.4057। बी को इधर ले, एक काम करो, हाँ बी को इधर लेके आ जाओ, या फिर इस बी को इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओगे, ठीक है? तो ऐसा करेंगे तो अपने पास बी मिल जाएगा, तो बी आ जाएगा अपने पास 0.829 डिवाइडेड बाय 0.5943, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.39491, ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह बी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, और एक इक्वेशन में रखेंगे तो ए आ जाएगा। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ए इज इक्वल टू आएगा 13 माइनस बी, तो इसका रूट क्या आता है, इसका रूट अपन ने निकाला 5.81, तो 5.815 इंटू 10⁻¹⁸ देखो ये आएगा 8, राइट? अपॉन 13 माइनस बी कितना आएगा, ये 13 माइनस बी करेंगे तो 13, बी कितना है अपना, बी है 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 11.33। ओके, इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 0.51, 0.51323 × 10⁸, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5 × 10⁷। ये क्या आ गया अपने पास, ए आ गया। तो ए की वैल्यू मिल गई अपने को, बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ए मिल गया, बी मिल गया, और अपने को अब फाइंड क्या करना है, अब आयरन का केस लो। आयरन के केस में फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। तो रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ए कितना है 5 × 10⁷, जेड कितना है 26, और बी कितना है 1.39491, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास फ्रिक्वेंसी का रूट आएगा। तो ये कितना आएगा, फ्रिक्वेंसी का रूट आएगा, इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो अपने पास आएगा 123.05 × 10⁷। ये फ्रिक्वेंसी का रूट आ गया। तो इससे रूट निकालेंगे तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आएगा मेरा, फ्रिक्वेंसी आएगा 1541.3 × 10⁴, कितना आएगा, देखो स्क्वायर करना पड़ेगा ना दोनों तरफ, तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रिक्वेंसी सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या जाएगा, सी बाई फ्रिक्वेंसी। तो सी कितना है 3 × 10⁸, फ्रिक्वेंसी कितना है 1.5141.3 × 10⁴। तो वेवलेंथ आ जाएगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ ऑफ के एल्फा ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करो तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.51 × 10⁸, राइट। कुछ गलत किया नहीं, नहीं ये तो उल्टा लग गया ना उसका, लिख दिया तो 3/10, तो ये कुछ और आएगा, ये आएगा 198 × 10⁻¹2, 198 × 10⁻¹2। अब माइनस 12 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 198 पिकोमीटर। ये फ्रिक्वेंसी किसके लिए आएगा, आयरन के लिए, किस आयरन के लिए आएगा, किस लिए, के अल्फा के लिए। वेवलेंथ ऑफ के अल्फा कितना आएगा, 198 पिकोमीटर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।